करना उसको कहते हैं। महाराष्ट्र की बात है कि जब उन्होंने इलेक्शन निकाला था महाराष्ट्र में 2019 के आसपास, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार बोली कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले कि देखिए पैसा कमाना तो मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी बिहार से मजदूर बन के हमारे महाराष्ट्र में आते हैं उनको आप मजदूर बुड़बक मजदूर करके नहीं बुलाइएगा ना मारिएगा। उसके बाद 2019 से आज स्थिति थोड़ा कम हो गई है कि महाराष्ट्र में बिहारियों को थोड़ा सा इज्जत मिलने लगा है, तो इस स्थिति से कहीं न कहीं आदमी निस्वार्थ भाव से अपने बिहारियों को या बिहार के प्रति लोगों को एक अच्छा सोच अच्छा इज्जत दिलाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, जन स्वराज वाला प्रशांत, जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी करके मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी। आप